वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लोरूम। इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने जिनिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ जिनिंग के बाद हमने मिक्सिंग पढ़ा और मिक्सिंग के बाद हम आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लोरूम। हमारा जो कॉटन स्पिनिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जिनिंग, हम कॉटन बॉल की जो है जिनिंग करते हैं। जिनिंग से जो हम फाइबर को सेपरेट कर, सीड्स और फाइबर को सेपरेट करते हैं। जिनिंग के बाद जो हमारे मेटेरियल क्लीन कॉटन जो है बेल फॉर्म में पैक होकर के स्पिनिंग यूनिट को जो है भेजा जाता है, या स्पिनिंग यूनिट जो है बेल फॉर्म में मेटल को रिसीव करते हैं और उस बेल फॉर्म में मेटल को हम स्पिनिंग प्रोसेस में स्टार्ट करने से पहले हमारा जो ब्लोरूम सेक्शन है वहां पे मेटल की हम अकॉर्डिंग टू मिक्सिंग हम बेल को अरेंज करते हैं और मेटल की इस मॉडर्न ब्लोरूम लाइन या बेसिक जो हमारी ओल्ड ब्लोरूम लाइन है उसके अनुसार हम मेटल की मिक्सिंग, ओपनिंग मिक्सिंग करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ब्लोरूम है, ब्लोरूम हमारी कॉटन स्पिनिंग की जो है फर्स्ट जो है प्रोसेस की फर्स्ट सेक्शन है, जहां पे हम मेटल की ओपनिंग जो हमारे कंपैक्ट फॉर्म में जो बेल हमने रिसीव किया है उस बेल की जो हम ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग के साथ साथ हमारा जो है मेटल की क्लीनिंग होती जाती है, यानी ओपनिंग और क्लीनिंग साइमल्टेनियस प्रोसेस जो है परफॉर्म होते हैं। और मेटल की मिक्सिंग यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जब हमारा मेटल एक मशीन से दूसरे स्टेप में दूसरे मशीन में पास होता है तो कंटिन्यूअस मेटल की मिक्सिंग होती जाती है, यानी मेटल की ओपनिंग, क्लीनिंग, मिक्सिंग, डीडस्टिंग, यानी जो डस्ट पार्टिकल है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा ब्लोरूम का बेसिक फंक्शन क्या है और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। ब्लोरूम मशीन हमारी जो है कैसे ओपनिंग, क्लीनिंग प्रोसेस को परफॉर्म करती है। बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लोरूम में जो हम मेटल की ओपनिंग, क्लीनिंग और डिफरेंट एस्पेक्ट को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक बेल ओपनर, आप जो है जो हमारी बेल है, बेल हमारी अरेंज हो जाती है और इस बेल से लेयर टू लेयर फाइबर जो है ओपनिंग होती जाती है और कंटिन्यूअस जो है मिक्सिंग, ओपनिंग मिक्सिंग का प्रोसेस जो है परफॉर्म होता जाता है। तो आप इस पिक्चर में जो है फर्स्ट जो हमारा ओपनर है ऑटोमेटिक बेल ओपनर, जो बेल हमारी अरेंज है और मेटल को ओपन जो है मूव रेल पे जो है मूव करता है और मेटल की लेयर टू लेयर जो है ओपनिंग और मिक्सिंग जो है होती जाती है। इंट्रोडक्शन के रूप में हम देखते हैं ब्लोरूम को। ब्लोरूम इज द स्टार्टिंग ऑफ द स्पिनिंग ऑपरेशन वेयर द फाइबर इज ओपन, यानी ब्लोरूम जो है हमारी स्पिनिंग सेक्शन का जो है फर्स्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट जो है सेक्शन है जहां पे वेयर द फाइबर इज ओपन, यानी फाइबर की हम ओपनिंग करते हैं, फाइबर को हम ओपन करते हैं। क्लीन्ड, फाइबर को क्लीन करते हैं, फाइबर की ओपनिंग होती है, क्लीनिंग होती है। मिक्स्ड एंड इवन, ओपनिंग, क्लीनिंग एंड मिक्सिंग, और मेटल की ओपनिंग होती है, क्लीनिंग होती है और मिक्सिंग होती है। कंटिन्यूअस जो है ये ओपनिंग, क्लीनिंग और मिक्सिंग का ऑपरेशन जो है ब्लोरूम में परफॉर्म होता जाता है। एंड इवेंट, और उसके बाद जो है ओपनिंग, मिक्सिंग, क्लीनिंग के बाद जो हम मेटल को एक इवन फॉर्म में नेक्स्ट मशीन को जो है लाइव फॉर्म में या चूट फीडिंग के माध्यम से फ्लॉक फॉर्म में हम मेटल को कार्डिंग सेक्शन को जो है रिसीव कराते हैं, कार्डिंग सेक्शन को हम सेंड्स करते हैं। ब्लोरूम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यार्न प्रोडक्शन इन स्पिनिंग मिल। ब्लोरूम जो है हमारी यार्न प्रोडक्शन की जो है पहली मशीन है, पहला सेक्शन है। अ सेक्शन इन विच कंप्रेस्ड बेल आर ओपन। यहाँ इस सेक्शन में क्या होता है कि कंप्रेस्ड जो हमने जिनिंग यूनिट से जो कंप्रेस्ड बेल जो रिसीव किया है, जो हमने परचेज किया है, उस बेल को हम ओपन करते हैं, बेल की ओपनिंग करते हैं। क्लीन्ड एंड ब्लेंडिंग, क्लीनिंग करते हैं, मेटल की ओपनिंग होती है, क्लीनिंग होती है। एंड blending or mixing to be form uniform lap of specific length is called blowroom section। और इस ओपनिंग, क्लीनिंग के बाद मेटल की मिक्सिंग होती है, ब्लेंडिंग होती है और एक स्पेसिफिक लेंथ का हम एक लैप फॉर्म करते हैं, जिसको जहां पे हम इस ब्लोरूम में जिसको हम ब्लोरूम कहते हैं। द क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ ब्लोरूम इज 40 to 70%। जनरली जो है जो कॉटन में हमारी डस्ट इम्प्योरिटीज होती है वो इस ब्लोरूम मशीन में 40 to 70% हमारा मटेरियल क्लीन हो जाता है। इस रेंज में 40 से 70% के बीच में हमारा मेटल ब्लोरूम सेक्शन जो है क्लीन कर देता है। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्पिनिंग लाइन फॉर स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, इस करेक्ट कॉटन यार्न प्रोसेस में, कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग में ब्लोरूम हमारी जो है फर्स्ट ऑपरेशन की, फर्स्ट प्रोसेस की, फर्स्ट जो है मशीन है, फर्स्ट सेक्शन है। यहाँ पे जो है आप ब्लोरूम सेक्शन देख रहे हैं जहाँ पे हमारे बेल अरेंज है, और हापर बेल ओपनर जो है इस रेल पे जो है मूव कर रहा है और मूव करके लेयर टू लेयर जो है पेनेट्रेट होता है और पेनेट्रेट होकर के मेटल की रोटेशन जो है शाफ्ट जो रोटेट करती है और मेटल में पेनेट्रेट करके और कॉटन की जो है लेयर टू लेयर ओपनिंग होती जा रही है और मेटल सक होकर के नेक्स्ट जो है प्री ओपनर को जो है मेटेरियल फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से फंक्शन ऑफ ब्लोरूम, ब्लोरूम का क्या फंक्शन है, क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओपनिंग द कंप्रेस्ड बेल ऑफ फाइबर एंड मेकिंग द कॉटन टॉप्स स्मॉल साइज एज फार एज पॉसिबल। यहाँ पे जो है ओपनिंग द कंप्रेस्ड बेल, जो हमारी कंप्रेस्ड बेल है उसकी हम फाइबर टू फाइबर ओपनिंग करते हैं, फाइबर बेल ऑफ फाइबर एंड मेकिंग द कॉटन टफ्स ए स्मॉल साइज, और जो कॉटन टफ्स है जो बड़े बड़े बंच है उसको हम स्मॉल टफ्स में जो है कन्वर्ट करते हैं एज पॉसिबल, जो है जितना छोटे से छोटे टफ्स में हम इस ब्लोरूम ऑपरेशन से, ब्लोरूम में जो है मेटल की ओपनिंग करके उसको छोटे से छोटे टफ में हम कन्वर्ट करते हैं। डिटेक्टिंग द मेटल ऑब्जेक्ट एंड फायर इन फाइबर, और जो है ओपनिंग के बाद मेटल जैसे ही हमारा आगे फॉरवर्ड होता है वहां पे जो है मेटल डिटेक्टर लगा होता है, जो अगर कोई भी किसी भी तरीके का मेटल पार्ट्स अगर हमारे कॉटन फाइबर में मिक्स है तो मेटल डिटेक्टर जो है उस मेटल को डिटेक्ट कर लेता है और सेपरेट फाइबर से जो है सेपरेट कर लेता है। इस तरीके से अगर मेटल को हम डिटेक्ट नहीं करते हैं, फाइबर से सेपरेट नहीं करते हैं, तो हमारे ऑपरेशन की जो मशीनें हैं, जो वहाँ पे शॉर्ट टीथ है वो हमारे डैमेज हो जाएंगे जो है, तो उससे पहले शॉर्ट टीथ में मेटल को पास होने से पहले हम मेटल को डिटेक्ट करते हैं और मेटल से रिमूव कर लेते हैं। क्लीनिंग द फाइबर बाय रिमूविंग द डस्ट, डर्ट, ब्रोकन सीड्स एटसेट्रा एंड अदर फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द फाइबर। क्लीनिंग, हमारी ओपनिंग हुई, मेटल डिटेक्ट हुआ और अगली जो मशीन को है वहां पे जो है मेटल की ओपनिंग होगी और क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग द फाइबर बाय रिमूविंग, और क्लीनिंग ऑपरेशन में डस्ट, डर्ट और सीड्स फ्रैगमेंट को हम सेपरेट करते हैं और भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मैटर जो है जो मेटल में कॉटन फाइबर में मिक्स है उसको हम इस क्लीनिंग, ओपनिंग और क्लीनिंग, इस ब्लोरूम में क्लीनिंग ऑपरेशन में जो है रिमूव करते हैं। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस आर ग्रेड ऑफ फाइबर, इस ब्लोरूम ऑपरेशन में, ब्लोरूम मशीनों में जो है, ब्लोरूम लाइन में मेटल की कंटिन्यूअस जो है मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग होती जाती है, मेटल मिक्स होता जाता है हमारा। रिमूविंग फॉरेन फाइबर एंड प्लास्टिक कंटामिनेशन, और इस ब्लोरूम सेक्शन में जो हमारे फॉरेन मैटर यानी कॉटन में अदर मैटर जो मिक्स है वो जो है रिमूव हो जाते हैं और प्लास्टिक कंटामिनेशन भी डिटेक्ट होता है और रिमूव हो जाता है। यूनिफॉर्म फीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, और लाइव फार्म में या चूट फीडिंग के माध्यम से फ्लॉक जो है हमारे नेक्स्ट कार्टिंग मशीन को एक यूनिफॉर्म लैप या यूनिफॉर्म फ्लॉक जो है हमारे फीड होते हैं नेक्स्ट कार्टिंग मशीन को। ये हमारा जो है इस ब्लोरूम का जो है मेन ऑब्जेक्ट है ओपनिंग, क्लीनिंग, मिक्सिंग एंड लाइव फॉर्मेशन जो नेक्स्ट कार्डिंग मशीन में फिट होता है। तो ये मेन हमारे फंक्शन है ब्लोरूम सेक्शन के। मशीन यूज्ड इन ब्लोरूम लाइन, हम जनरली जो ब्लोरूम लाइन जो जनरली यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे ब्लोरूम लाइन को मॉडर्न यानी मॉडर्न ब्लोरूम लाइन भी हम इस में डिस्कस करेंगे, और कन्वेंशनल सिस्टम में जो हमारी ब्लोरूम लाइन जो है परफॉर्म होती थी, जो यूज होती थी, उस लाइन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रीटर एंड ट्रूजलर की दो हमारी ब्लोरूम लाइन है और ये हमारी कन्वेंशनल ब्लोरूम लाइन है। इस कन्वेंशनल ब्लोरूम लाइन में हमारी जो है ये इस मशीनें जो वर्क करती हैं फॉर कन्वेंशनल ब्लोरूम लाइन। ऑटोमेटिक बेल ओपनर, जो ऑटोमेटिक बेल ओपनर या हापर बेल ओपनर जो है हम कन्वेंशनल ब्लोरूम लाइन में यूज करते हैं। हापर बेल ब्रेकर के बाद या ऑटोमेटिक बेल ओपनर के बाद ऑटोमेटिक ब्लेंडर, स्टेप क्लीनर, एक्सी फ्लो ओपनर, परकुपाइन ओपनर एंड हापर फीडर आफ्टर देन स्केचर। ये हमारी कन्वेंशनल ब्लोरूम लाइन यानी ओल्ड ब्लोरूम लाइन है। और इस ओल्ड ब्लोरूम लाइन के बाद हम जो है रीटर की, ट्रूजलर की और भी हमारे मेक हैं जिनकी हमारी जो है मॉडर्न ब्लोरूम लाइन आज प्रैक्टिकली और इंडस्ट्री में जो वर्क कर रही है वो मॉडर्न ब्लोरूम लाइन। तो आज हम देखते हैं रीटर की ब्लोरूम लाइन। इनिफ्लाक हमारी जो है पहली मशीन है वो कौन सी है जो मेटेरियल बेल से मेटेरियल को लेयर टू लेयर ओपन कर रही है, वो हमारी मशीन है यूनिफ्लाक। मेटल एंड फायर डिटेक्टर जो उसके बाद जो मशीन है मेटल एंड फायर डिटेक्टर। यूनिक्लीन, यूनिमिक्स, यूनिक्लीन के बाद जो है यूनिमिक्स, यूनिफ्लेक्स एंड टॉपटेक्स, ये हमारा जो है रीटर की लाइन है। और ट्रूजलर में बीडीटी यानी ब्लेंडोमेट, एसपीईएम, सीएलपी, MXU एंड CL3 एंड SPFP, ये हमारी जो है ब्लोरूम की जो है मॉडर्न ब्लोरूम लाइन है। इस ब्लोरूम लाइन के माध्यम से मेटल की ओपनिंग, क्लीनिंग, मिक्सिंग एंड एक यूनिफॉर्म मटेरियल जो है नेक्स्ट मशीन को जो है फीड होता है। ब्लोरूम लाइन आप इस फिगर के माध्यम से ब्लोरूम लाइन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी एक कंप्लीट हमारी ब्लोरूम सेक्शन है। ब्लोरूम सेक्शन से मटेरियल जो है प्रोसेस होकर के कॉटन बेल से ओपनिंग, क्लीनिंग, कॉटन बेल की ओपनिंग, क्लीनिंग होकर के और मटेरियल हमारा नेक्स्ट जो है कार्डिंग सेक्शन को जो है फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारी बेल जो है सीक्वेंस से अरेंज है और इस बेल को जो है बेल ओपनर है जो इस रेल पे जो है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और लेयर टू लेयर मेटेरियल की ओपनिंग होती जाती है और सेक्शन के माध्यम से मेटेरियल हमारा नेक्स्ट जो है प्री क्लीनर सेक्शन को जो है प्री क्लीनर मशीन को जो है फीड होता है। प्री क्लीनर के बाद हमारा मटेरियल जो है क्लीन होकर के मिक्सिंग होती है, मेटेरियल की प्रॉपर मिक्सिंग होती है यानी ओपनिंग हुई, क्लीनिंग हुई, मिक्सिंग हुई और मिक्सिंग के बाद हम फाइन क्लीनिंग के लिए यानी फाइन ओपनर के लिए मटेरियल हमारा जो है फाइन क्लीनर जो है मटेरियल की और ओपनिंग और क्लीनिंग को परफॉर्म करता है। आफ्टर देन जो है डी डस्टिंग सेक्शन होता है, डी डस्टिंग में डस्ट रिमूव होती है और उसके बाद हमारा मटेरियल नेक्स्ट टू कार्ड सेक्शन को जो है चूट फीड के माध्यम से जो है फॉरवर्ड हो जाता है। तो आप इस पिक्चर में जो है मॉडर्न ब्लोरूम लाइन देख रहे हैं। ये जो हमारी ब्लोरूम लाइन है ये मॉडर्न ब्लोरूम लाइन है और इस मॉडर्न ब्लोरूम लाइन से मटेरियल की ओपनिंग, क्लीनिंग, मिक्सिंग और नेक्स्ट मशीन को यानी नेक्स्ट मशीन कार्ड को हम मटेरियल आसानी से जो है फीड कर देते हैं। मॉडर्न ब्लोरूम लाइन जो आपने ब्लोरूम लाइन देखा उसी तरीके से हमारी ये मॉडर्न ब्लोरूम लाइन है जहां ऑटोमेटिक बेल ओपनर यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक बेल ओपनर जो फर्स्ट पॉइंट है, टू जो है हमारा कंडेंसर ड्रम है, थर्ड जो है बीटर यानी ग्रिड बार और फोर्थ जो है मल्टी स्टैक कंटिन्यूअस ब्लेंडर यानी यहाँ पे मेटल की मिक्सिंग हो रही है और फाइव जो है मल्टी बीटर क्लीनर, यहाँ पे जो है मल्टी बीटर क्लीनर है और सिक्स जो है फाइनल डीडस्टिंग स्टेप और फाइनल जो है मेटल की डीडस्टिंग और नेक्स्ट जो है ये हमारा कार्डिंग सेक्शन है, कार्डिंग को मेटल हमारा फीड हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ब्लोरूम सेक्शन क्या करता है मेटल की ओपनिंग, क्लीनिंग, मिक्सिंग एंड डीडस्टिंग, आफ्टर देन जो है मेटल फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेक्शन कार्डिंग सेक्शन। यहाँ पे जो है आप ब्लोरूम लाइन देख रहे हैं। इस तरीके से मैं आगे जो है हम बढ़ते हैं। बेसिक पैरामीटर टू बी कंसीडर्ड इन ब्लोरूम, हम जो है वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसको हम जनरली ब्लोरूम में कंसीडर करते हैं। नंबर ऑफ ओपनिंग मशीन यानी कितनी नंबर ऑफ ओपनिंग मशीन जो हमारी ब्लोरूम लाइन में लगी हुई है, ये हमारा जो है ये बेसिक पैरामीटर जो है उस पे डिपेंड करता है कि ओपनिंग का लेवल कितना होगा। टाइप्स ऑफ बीटर, किस टाइप के बीटर जो है मशीन ब्लोरूम सेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, ओपनिंग का जो हमारा लेवल है, ओपनिंग क्लीनिंग का लेवल है वो इस पे टाइप ऑफ बीटर पे डिपेंड करता है। बीटर स्पीड, बीटर की हमारी स्पीड क्या है। प्रोडक्शन रेट ऑफ इंडिविजुअल मशीन यानी एक मशीन की यानी जो हमारी एक एक इंडिविजुअल मशीन जो ब्लोरूम में लगी हुई है उसका जो है प्रोडक्शन रेट क्या है, कितना पर के जो है कितना केजी पर आवर जो हमारा प्रोडक्शन है। फाइबर माइक्रोनेयर, फाइबर जो हम मटेरियल जो फाइबर जो प्रोसेस करने जा रहे हैं उसकी फाइननेस का लेवल क्या है, माइक्रोनेयर का लेवल क्या है। साइज ऑफ द फ्लॉक इन द फीड, जो हम फीडिंग कर रहे हैं आगे जो नेक्स्ट मशीन को उसमें जो हमारा जो कॉटन के छोटे फ्लॉक है यानी मेटल का जो बंच है वो कितना छोटा जो है कितना ओपनिंग का लेवल है। टाइप्स ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड सेटिंग, जो हम ब्लो रूम में हमारी जो ग्रिड लगी हुई है उस ग्रिड का जो किस टाइप की ग्रिड है और उसकी सेटिंग हम हमारी किस तरीके से हम ग्रिड की सेटिंग है, इस पे हमारा ओपनिंग क्लीनिंग डिपेंड्स करता है। पोजीशन ऑफ द मशीन इन द सीक्वेंस, और मशीन की जो हमारी मशीनें ब्लो रूम में लगी हुई हैं उसको किस लेवल पे किस सीक्वेंस के किस जो है किस सीक्वेंस में यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस स्टेप पे जो है वर्क कर रही हैं, इस पे ओपनिंग क्लीनिंग भी हमारी डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ ट्रैश इन द मटेरियल, जो हमारा मटेरियल जो क्लीन हो रहा है, जो क्लीनिंग हम ब्लो रूम में जिस मटेरियल को प्रोसेस करने जा रहे हैं उस मटेरियल में जो है ट्रैश कंटेंट, ट्रैश का लेवल कितना है, ये जो है ब्लोरूम ये बेसिक पैरामीटर के रूप में जो है यानी ओपनिंग क्लीनिंग के में जो ओपनिंग क्लीनिंग जो है इस पैरामीटर पे ट्रैश कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और हमारा सेक्शन जो ब्लोरूम सेक्शन है उस सेक्शन में जो है हमारा टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, ये जो पॉइंट है हमारे जो है ब्लोरूम सेक्शन को जो अफेक्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से आप ब्लो रूम के ऑब्जेक्ट को, पर्पज को, हमारा क्या फंक्शन क्या है, ब्लो रूम का क्या फंक्शन है, इस लेक्चर के माध्यम से आपने समझा होगा कि हमारा ब्लो रूम मेटल की ओपनिंग करता है, क्लीनिंग करता है, मिक्सिंग करता है और फाइनली जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है सुटेबल फॉर्म में जो है लैब या चूट फीट के माध्यम से नेक्स्ट मशीन को फीडिंग देता है। तो हमारी ये ब्लोरूम हमारी स्पिनिंग सेक्शन की, कॉटन स्पिनिंग की जो का फर्स्ट सेक्शन है, पहला डिपार्टमेंट है जहां हम मेटल की बेल को रिसीव करते हैं, बेल फॉर्म में मेटल को रिसीव करते हैं और उस बेल से मेटल को ओपन कि मेटल की ओपनिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और ब्लेंडिंग मिक्सिंग करते हैं और फाइनली नेक्स्ट स्टेप को मेटेरियल हमारा फॉरवर्ड हो जाता है। तो आप इस ब्लो रूम के ऑब्जेक्ट को, फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से इस लेक्चर के माध्यम से समझे होंगे। थैंक यू।